ये जिसमें हम वाटर कंटेंट ज्ञात करने के तरीके देख रहे थे, वाटर कंटेंट ज्ञात करने के तरीके देख रहे थे, उसी में आगे चल रहे हैं। वाटर कंटेंट का अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या देख लिया था, हमने ओवन ड्राइंग मेथड किस तरीके से होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है वो देख लिया। पिक्नोमीटर से दोनों चीजें देख ली हमने, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। वाटर कंटेंट निकालने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए और केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज होता है, ठीक है। आज हम यहाँ पर तीसरा मेथड देखेंगे, तीसरा मेथड देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, एक बार तो आप ये समझ लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से रिलेटेड थ्योरी। कैल्शियम कार्बाइड एक सिंपल केमिकल पाउडर जैसा होता है, चूने जैसे, CaC2 इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बाइड, और ये वाटर के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर मॉइस्चर इसको कहीं से भी मिल जाए, इवन एयर में उपस्थित मॉइस्चर भी मिल जाता है, तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है वाटर के प्रति। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड की थ्योरी, पिकनोमीटर की थ्योरी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये रहा कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बाइड की बात करें, तो जैसे ही इसको पानी मिलता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके एक गैस बनाता है जिसका नाम होता है एसिटिलीन गैस। ऑब्जेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है। साथ में एक और यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, या फिर हमारे पास फैट लाइम भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम, CaH2, बुझा हुआ चूर्णा भी बोलते हैं इसको। थोड़ी देर बाद ये सीमेंट की तरह ही सख्त हो जाता है, थोड़ी देर बाद अगर इसको एयर में रखा जाए तो, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी मिलता है तो उससे क्रिया करके तुरंत एसिटिलीन गैस बना देती है। 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड 1 मोल एसिटिलीन गैस बना देता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड से रिलेटेड और क्या जानकारी होनी चाहिए, ये फील्ड मेथड है पहली बात। दूसरा, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है क्योंकि यहाँ पर हम गैस का, एसिटिलीन गैस का प्रेशर जो यहाँ डायल गेज होता है PSI में, उसके साथ अंशांकित होता है, कैलिब्रेट होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं। मतलब कि जो वाटर कंटेंट का बेसिक फॉर्मूला है ना, वेट ऑफ वाटर बटे में वेट ऑफ सॉलिड, उससे हम तोल कर नहीं निकाल रहे, ना हम वेट ऑफ वाटर तोल रहे ना वेट ऑफ सॉलिड तोल रहे हैं। इस वजह से, चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट वेट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड नहीं बोल के इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन की साइट में वाटर कंटेंट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए बल्क डेंसिटी में तुरंत ही 1+W चाहिए होता है। बल्क डेंसिटी कोर कटर मेथड या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से निकाल लेते हैं, पर वाटर कंटेंट चाहिए होता है। आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, कॉम्पैक्शन में OMC निकालने के लिए ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के मध्य कर्व चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत सारी वाटर कंटेंट की वैल्यू चाहिए होती है। तो 24 घंटे तक वेट नहीं किया जा सकता ओवन ड्राइंग का, तो वहां पर फील्ड मेथड पर क्विक डिटर्मिनेशन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन की साइट पर इसको यूज किया जाता है। कैसे होता है एक बार ये देख लेते हैं इस मेथड को। मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो ऑब्जेक्टिव में आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी आपको उतारना है वो यहां से उतार लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं अब, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड से रिलेटेड ये तो थी थ्योरी पार्ट, अब एक बार प्रैक्टिकल आप देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। कैल्शियम कार्बाइड का प्रैक्टिकल कैसे होता है ये देख लीजिए। जैसे ही आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, ये देखिए, ये एक रोड कंस्ट्रक्शन की साइट है। बैकग्राउंड में अगर आप देखना चाहें तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, ये कोई रोड एम्बैकमेंट बनाया गया है या कोई भी एम्बैकमेंट है जिसके ऊपर रोलर चला के कॉम्पैक्शन किया गया है, ये दरारें से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के ड्राई डेंसिटी निकाली गई होगी, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए वाटर कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। एज ए जूनियर इंजीनियर आपके पास, या प्राइवेट इंजीनियर जो भी कंपनी के पास टेंडर है, ये आपके पास होता ही होता है, इसको मॉइस्चर किट बोला जाता है, जिसमें ये देखिए भाई साहब जो निकाल रहे हैं ये मॉइस्चर मीटर होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये मॉइस्चर मीटर है, ये जो हमारा मॉइस्चर मीटर है, साथ में ये हमारे पास स्प्रिंग तुला है, ये सॉरी एक वेइंग मशीन है जिससे हमारे पास बहुत ही प्रिसाइजली वेट नापा जा सकता है। ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है, ये हमारे पास टॉर्शन बैलेंस है, इसमें ये जो है प्रेशर नापने का इक्विपमेंट है, ठीक है। इसमें जो भी मिट्टी है, जैसे कि आपके सामने मिट्टी का एम्बैकमेंट रोड के ऊपर ही रखी हुई है, ये चीजें रही है, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कोई भी मिट्टी का सैंपल देखिए, ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की ट्रे है, आपको दिख रही है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की ट्रे है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सैंपल इकट्ठा कर लिया और उसको तोल लिया। ये विषमभुजा तुला है, स्टील यार्ड क्रेन है, जो कि मूवमेंट के प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मूवमेंट के प्रिंसिपल्स पर आधारित है, वेवलेंथ हो जाएगी उस हिसाब से यहाँ पर
कम अमाउंट में 10 से 20 ग्राम अपने पास मिट्टी का सैंपल ले लेते हैं। कोशिश करते हैं कि जो मिट्टी का सैंपल हो उसमें क्या ना हो, लम्स ना हो, मतलब गुठलिया टाइप में ना हो, होगी तो भी उसको फोड़ दिया जाता है, अच्छे से मसल कर फोड़ दिया जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जो हमारा इक्विपमेंट है इसको मॉइस्चर मीटर बोलते हैं, इसको मॉइस्चर मीटर बोलते हैं जो इनके हाथ में है। तो यहाँ पर ये जो मॉइस्चर मीटर है इसमें सैंपल को रख लिया जाता है, साथ में स्टील बॉल्स का यूज किया जाता है। स्टील बॉल्स का काम क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने देखी थी कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो पानी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाएगा, तो जो गुठलियां होंगी मिट्टी की वो गुठलियों के अंदर के पानी से कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण जो होगा, जो भी पाउडर होगा, वो क्रिया नहीं कर पाएगा। तो जो स्टील बॉल्स हैं उनका यूज क्या होता है, उनका यूज होता है कि वो उन लम्स को फोड़ देती हैं, जिससे कि कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण अच्छे से मिट्टी के वॉइड के अंदर जो पानी है उससे क्रिया कर पाए। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो क्या करते हैं एक बार देख लीजिए आप। ये सैंपल रख लिया, फिर इसमें स्टील बॉल डाल दी होंगी शायद, देखिए इन्होंने, ये देखिए स्टील बॉल डाल दी जो कि लम्स फोड़ने काम आएगी। ये जो इनके हाथ में ये जो व्हाइट बॉल या कर्सर घूम रहा है ये कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण है, इतना ज्यादा संवेदनशील होता है, इसको तुरंत खोलकर तुरंत 1 से 2 चम्मच डाल दिए जाते हैं जिससे एयर टाइट हो करके रखा जाता है। नहीं तो ये क्या है कि वातावरण की नमी से क्रिया करके CaOH बना लेता है, जो कि सीमेंट के बाद थोड़ी देर बाद जम जाता है तो खराब हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का चूर्ण को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, देखिए तुरंत ही ये डाल दिया, 2 चम्मच इन्होंने डाल दिया और तुरंत बंद कर लिया। वो देखिए कितना जल्दी कर रहे हैं, बंद करने में उन्होंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी, ढक्कन खुला नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अंदर ही अंदर होगा क्या, आप एक बार समझने की कोशिश करना। जो ये मॉइस्चर मीटर है इसके अंदर क्या है, सॉइल है, सॉइल है, उसमें स्टील बॉल्स है जो कि सॉइल के चूरा बनाने के काम में आ जाएगी अगर कोई गुठलियां हो, और साथ में क्या हो रहा है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है, ठीक है? अब जब इसको हिलाएंगे 10 से 15 मिनट की शेकिंग करेंगे, 10 to 15 मिनट की शेकिंग करेंगे, जिससे अच्छे से ये क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और रिएक्शन पूरी हो जाए, वही जो बार बार मैं लिख रहा हूँ कैसे H2O से क्रिया करके यहाँ क्या बना लेगा, C2H2 एसिटिलीन गैस निकलेगी। जितनी ज्यादा गैस होगी तो ये जो कंटेनर है बिल्कुल बंद है तो इसके अंदर गैस घुटेगी, घुटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा जिससे ये मॉइस्चर मीटर की ये रीडिंग जो है ये बढ़ेगी। ये ऑलरेडी अंशांकित है, जहां पर देखिए मॉइस्चर का मान डायरेक्ट लिखा हुआ है परसेंटेज में, जैसे 25%, 29%, 35% इस तरीके से लिखा हुआ, 50% इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑलरेडी उस प्रेशर एसिटिलीन गैस का प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड में कैलिब्रेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इसका कैलिब्रेशन इसका ऑलरेडी हुआ पड़ा है। उस कैलिब्रेशन स्केल के आधार पर ये हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट की रीडिंग आपको बता देगी, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका मैटर है, और ये हमने अभी आपके सामने एक चीज देखी, इसी को मॉइस्चर मीटर कहा जाता है, और ये इनडायरेक्ट है, यहाँ पर गैस का प्रेशर है। शेकिंग इस तरीके से करते हैं, देख लिया आपने, ठीक है? इस तरीके से शेकिंग करके देखिए ये मॉइस्चर कंटेंट आ गया है 5 के बाद कुछ जो भी है, धीरे धीरे एसिटिलीन गैस बनेगी, जो स्टील बॉल्स है वो रिएक्शन को काम करेगी, रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से हमारे पास ये मॉइस्चर मीटर पे देखिए ये पढ़ लिया है, तो ये कितने परसेंट पानी की मात्रा है वो यहाँ पर आराम से पता लग गई है, ठीक है? रैपिड मॉइस्चर मीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास टेस्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है? तो ये हमारे पास वाटर कंटेंट का ज्ञात करने का कौन सा टेस्ट है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपको, टॉर्शन बैलेंस नेक्स्ट में ही देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है? तो ये फील्ड मेथड है जिसकी मदद से आप रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर आराम से, एक्यूरेट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, वापस से मॉइस्चर कंटेंट की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि देखिए अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा वहां पर भी रोड कंस्ट्रक्शन की साइट पर रखे हुए थे। बल्क डेंसिटी अभी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, कोर कटर मेथड से कैसे निकालते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। तो वाटर कंटेंट अगर हमको क्विकली पता लग जाए तो ड्राई डेंसिटी निकाल लेते हैं, और ड्राई डेंसिटी से हम G ρW/1+E करके हम वॉइड ऐसी सापची पानी पियो से डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालते हैं। ये फॉर्मूले मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको याद हो जाए, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स में भी और बेसिक भी आपके पास यही है, ठीक है? इनडायरेक्ट मेथड है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, 10 से 15 मिनट में काम हो जाता है,
ठीक है, यहाँ पर एक खास बात और है जो आपको मैं बताना भूल गया। यहाँ पर जो आपने अभी अभी बंदे देख रहे थे ना, तो ऊपर एक वाल्व था। ये जो हमारे पास मॉइस्चर मीटर है, इसमें ये वाल्व होता है, इसको बंद करते हैं। ये एक तरीके से जैसे कुकर होता है उसकी तरह सीटी होती है, उस तरह की सीटी नहीं होती, पर इसको कसा जाता है। तो थोड़ा सा अगर ये आदमी है तो हिला तो लिया, परंतु जब मॉइस्चर मीटर को अलग करें तो थोड़ा सा चेहरे से दूर करके इसको खोलते हैं जब खाली करते हैं। क्योंकि अगर आपने इसको मुंह के पास ही रख के खोल दिया तो ये एकदम से वाल्व आपके मुंह पर आ सकता है और आपके दांतों की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, तो ये फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट है कि मुंह की तरफ इस वाल्व को ना रखें खोलते समय, क्योंकि हाई प्रेशर पर एसिटिलीन गैस होती है तो एकदम से वाल्व मुंह पे आ जाता है। फिर क्या करते हैं, जो ये मॉइस्चर मीटर है इसको जमीन पर बिखेर देते हैं, अंदर की जो भी सॉइल और स्टील वॉल्स है। अगर गुठलियां मौजूद हैं, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से रिएक्शन नहीं हुई, तो टेस्ट को रिपीट करेंगे, नहीं तो हमारे पास नॉर्मली भी रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, जो कि फील्ड आइडेंट फील्ड में आराम से और क्विकली रोड कंस्ट्रक्शन के साइट पे वाटर कंटेंट ज्ञात करने के काम में आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो तुरंत वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, जिससे मोटिवेशन मिलेगा हमें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले लेक्चर सीरीज में हम टॉर्शन बैलेंस कैसे होता है वो, और सैंड बाथ मेथड कैसे होता है वो, इस तरीके से हम चीज़ों को देखें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।